व्हाट्सएप पर अगर किसी भी फ्रेंड को आपने मैसेज किया है, किसी को पोस्ट शेयर की है या किसी को वॉइस मैसेज किया है, तो ऐसे में जब अगला बंदा मैसेज रीड करेगा, वॉच करेगा आपकी चीज़ को या फिर आपकी वॉइस वगैरह सुनेगा, तो ऐसे में यार दोस्तों आपके पास एक ब्लू टिक का निशान बना हुआ नज़र आएगा आपकी पोस्ट के साथ, जो पोस्टें आपने अपने फ्रेंड को शेयर की होगी। तो ऐसे में आप चाहते हो यार कि कोई भी बंदा आपको पोस्ट वगैरह शेयर करे, आप उसको रीड करो, सुनो, मैसेज देखो, ठीक है, आपका जो ब्लू टिक है, आपके फ्रेंड का जो ब्लू टिक है उसके पास वो शो ना हो। तो दोस्तों इसको कैसे डिसेबल करना है, कैसे ऑन रखना है या कैसे ऑफ करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कि बेसिकली काफ़ी सारे लोग इसको ऑफ करना चाहते हैं लेकिन उनको नहीं पता, व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर इसका ऑप्शन होता है तो उनको नहीं पता होता कि यार इसको कैसे ऑफ करना है या ऑन करना है, ठीक है। बेसिकली तो ये ऑफ ऑन ही होता है लेकिन इसको काफ़ी सारे लोग ऑफ करना चाहते हैं, तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप इसको डिसेबल रख सकते हो, कैसे आप इनेबल रख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को मेरी को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो घंटे के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलूंगा मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, आपको बताऊंगा उसको कैसे आप डिसेबल कर सकते हो और इनेबल भी कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को आपने पूरा देखना है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर हम चलते हैं, वहां पर आपको बताएंगे कैसे आप उसको डिसेबल इनेबल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आपको 3 डॉट लेफ्ट साइड पे नजर आ रहेंगे, इसके ऊपर आपने प्रेस कर देना, उसके बाद प्रेस करेंगे तो नीचे सबसे लास्ट सेटिंग का बटन नजर आ रहा है, यहाँ पर प्रेस कर देंगे। सेटिंग के ऊपर आपने जैसे प्रेस करना है, यहाँ पर दूसरे नंबर अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर अकाउंट के ऊपर प्रेस कर देंगे। अकाउंट के बाद आपने यहाँ पर सबसे पहले वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, ठीक है, जहाँ पे ये ताला सा बना हुआ है, प्राइवेसी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। जब इस तरह का इंटरफेस आ जाए तो आपके सामने यहाँ पर नीचे आपको दिए रीड ये जो रिस्पेक्टेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपने इस बटन को ऑन कर देना है, ठीक है। जब ये बटन ऑन करोगे तो आपके सामने ये दी ना, इफ़ यू टर्न ऑफ यू वांट टू सेंड योर रिसीव रीड रिस्पेक्टेड आर ऑलवेज सेंड फॉर ग्रुप चैट्स, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि आपके जो ब्लू टिक का जो निशान है ना, ठीक है ना, ये आप किसी को भी मैसेज, जो आपके दोस्त का किसी का भी मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है, उसके पास ब्लू टिक का निशान नहीं जाएगा, ठीक है, ब्लू टिक नहीं जाएगा। ऐसे में काफ़ी लोग होते हैं, वो चाहते यही हैं कि यार हमारा जो ब्लू टिक का हमारे किसी भी फ्रेंड को शो ना हो, ताकि वो ये जज ना कर सके कि हमारे फ्रेंड ने हमारा मैसेज रीड कर लिया है। ऐसे में आप मैसेज भी रीड कर लोगे, उसको रिप्लाई भी नहीं कर सकोगे। ऐसे में बेसिकली काफ़ी लोग होते हैं कि वो रिप्लाई नहीं करना चाहते, वो चाहते यही कि हम उनका मैसेज पढ़ लें लेकिन उनको रीड ना करें। तो ऐसे में ये वाला बटन आपको ऑन रखना है, ठीक है। तो इसको ऑफ रखेंगे तो ये फिर से ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको ऑफ रखेंगे तो आपके पास जो आपका ब्लू टिक है ना, अगले बंदे को शो नहीं होगा। तो यही तरीकाकार था आपको बताने का। तो आई होप कि ये वीडियो मेरी छोटी सी आपको पसंद आई होगी। छोटी सी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में जो घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताइएगा कि आपको वीडियो पूरी हेल्पफुल लगी, तो मैं आपका कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूँगा, आपको थैंक यू बोलूँगा, ठीक है। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, ये आपको तरीकाकार बताना था। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।